जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और एसएसबी मंत्रा विच इज योर की टू सक्सेस इन एसएसबी के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। यहां से हम अपनी एसएसबी की प्रेपरेशन की जर्नी को शुरू करेंगे। एसएसबी में रिकमेंडेशन हासिल किए बगैर आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन नहीं किया जा सकता और एसएसबी की पूरी प्रोसेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पड़ाव होते हैं और उन्हीं में से एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें इंटरव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाबों के आधार पर आपका स्कोरिंग डिपेंड करता है। बहुत से ऐसे सवाल उस प्रोसेस में आपसे पूछे जाते हैं जो देखने में बड़े कॉमन से और आसान से लगते हैं, लेकिन जब उन क्वेश्चंस को कोई स्टूडेंट कोई कैंडिडेट फेस करता है तो सही तरीके से आंसर नहीं कर पाता। ऐसे ही एक टॉपिक के साथ आज हम इस वीडियो में आपके सामने आए हैं और उस टॉपिक का नाम है Why do you want to join the armed forces? आप armed forces को क्यों join करना चाहते हैं? ये एक ऐसा question है जो definitely आपसे personal interview के अंदर पूछा ही पूछा जाएगा। अब इस question का correctly answer या correctly नहीं तो rightly answer कैसे किया जाए? क्योंकि correctly मैंने इसलिए correct किया क्योंकि हर student के लिए इसका answer कुछ अलग होगा। इसीलिए आप अपने आप को देखिए, जो सुझाव मैं इसमें दूंगा उनको देखिए और अपने हिसाब से अपनी एक खुद की स्क्रिप्ट बनाइएगा। और इसीलिए यहां पे जो बेस्ट आंसर हो सकता है वो हो सकता है आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली। जी हाँ, मैं तो बहुत सारे सुझाव दूंगा ही सही आपको इस वीडियो में कि एक इंसान को आर्म्ड फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या आंसर आपका हो सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया आंसर वही होगा जो आपका ओरिजिनल कॉज है। आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किसी न किसी चीज से इंस्पायर हुए होंगे, तभी आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ऊपर आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए कोई दबाव नहीं है किसी तरफ से। अगर दबाव है तो अपने उस डिसीजन को रिव्यू कीजिए, और अगर दबाव नहीं है तो सबसे पहले अपने आप से ऑनेस्टली पूछिए कि आप आर्म्ड फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और जो जवाब आपको मिलेगा उसी जवाब के बेसिस पर आप एक सुंदर सी स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं, उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसका रिहर्सल कर सकते हैं, ताकि जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इंटरव्यू के प्रोसेस में तो आप इसका बहुत ही क्रिस्पली आंसर दे सको। तो आस्क योरसेल्फ, आपके ओरिजिनल कॉज से बढ़िया कोई आंसर नहीं हो सकता आपके लिए, लेकिन उसको स्क्रिप्टाइज कैसे करना है और क्या एक पॉसिबल अच्छा आंसर हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि कॉमनली सवाल के जवाब में आंसर्स के रूप में दिए जाते हैं और जनरली हमको उनको अवॉइड करना है। वो कॉमन आंसर्स क्या दिए जाते हैं जब ये सवाल पूछा जाता है? सबसे पहले एक कॉमन आंसर दिया जाता है, आई वॉन्ट टू सर्व द नेशन। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस सवाल को अपने सामने पाते ही यही वाला आंसर देते हैं कि आई वॉन्ट टू सर्व द नेशन। अच्छी बात है, नेशन को सर्व करना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन यहां पे मैं इसको एक कॉमन आंसर के तौर पे ले रहा हूं जो हर दूसरा तीसरा कैंडिडेट एस्पायरेंट बोलेगा ही। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है? इसमें ड्रॉबैक ये है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर जब ऐसे कैंडिडेट से ये पूछ लेता है कि इफ यू वॉन्ट टू सर्व द नेशन यू कुड ऑल्सो हैव सर्व द नेशन एज अ डॉक्टर, यू कुड ऑल्सो हैव सर्व द नेशन एज एन इंजीनियर, एज अ टीचर और इन एनी अदर कैपेसिटी। आपको अगर अपने देश को सर्व ही करना है तो आप अपने देश को किसी भी कैपेसिटी में सर्व कर सकते हो, उसके लिए आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने की जरूरत क्या है? अगर आप एक नागरिक के तौर पे अपना काम सही तरीके से करते हो, ईमानदारी से करते हो, चाहे आप कुछ भी काम करते हो, अगर आप उस काम को ईमानदारी से कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, टाइम पर कर रहे हो, तो यू आर एक्चुअली सर्विंग योर नेशन। मे बी नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली यू आर सर्विंग द नेशन, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू आर डायरेक्टली सर्विंग द नेशन। तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है कैंडिडेट्स के सामने जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई आप किसी और कैपेसिटी में क्यों नहीं सर्व करना चाहते देश को, क्या दूसरे लोग देश की सर्विस नहीं कर रहे? और ऐसे में कैंडिडेट जो होते हैं ब्लैंक हो जाते हैं, फिर यार ये बात तो सही है, अब उनके मन में है कि मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूं, बहुत सारी बातें, लेकिन उन्होंने पहले ही ये बोल दिया कि मेरा प्राइमरी कॉज है टू सर्व द नेशन,
और यहाँ पर जो क्रॉस क्वेश्चन हुआ उस क्रॉस क्वेश्चन का मैं ठीक से जवाब नहीं दे पाया, और इसीलिए मैं कहूँगा आपको कि अपना प्राइमरी कॉज आई वॉन्ट टू सर्व द नेशन ना रखें। देखिए अगेन मैं यहाँ पे कहूँगा कि जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं अगर आपके ओरिजिनल कॉज से ये मैच करते हैं और आपके पास इन कॉजेस का इन पॉइंट्स का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है देन गो हेड विद दीज पॉइंट्स। बट मैं जनरलाइज तरीके से बता रहा हूँ इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये कॉमन आंसर्स हैं और इसमें कैंडिडेट्स फंस जाते हैं। आई वॉन्ट टू सर्व द नेशन में कैंडिडेट्स किस तरह से फंस जाते हैं उसका जवाब नहीं दे पाते वो आपने देख लिया, और इसीलिए मैंने उसको अवॉइड करने के लिए कहा है एज अ प्राइमरी कॉज ऑफ व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस इज माय पैशन। अब ये पॉइंट जो है ऐसा लगता है कि भाई एक इंसान आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए बड़ा पैशनेट है और ये बात जो है जस्टिफाई कर देती है उसका आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना। नहीं, यहां पर भी एक क्रॉस क्वेश्चन होता है जिसमें कैंडिडेट्स बुरी तरह से फंस जाते हैं। अब बात ऐसी है कि आपसे जो सवाल पूछा गया है उस सवाल का सही आंसर ही नहीं आ पाया है इस पॉइंट के थ्रू। क्यों लिखा हुआ है ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस इज माय पैशन? अरे यही तो सवाल आपसे पूछिए, तो पता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कि आप वहां तक आए हो इंटरव्यू दे रहे हो तो आप आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करना चाहते ही हो, इसीलिए तो दे रहे हो। और यही तो सवाल है कि अगर ये आपका पैशन है तो ये आपका पैशन क्यों है, इस सवाल का ही आपको जवाब देना है। तो ये जो जवाब है ना ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस इज माय पैशन, ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपने क्वेश्चन के आंसर के बदले क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। यही तो वो पूछना चाह रहे थे, दूसरे वर्ड में वो यही क्वेश्चन पूछ सकते थे व्हाई ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस इज योर पैशन, पर आपने बोल दिया ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस इज माय पैशन। यहां पे फिर डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा, वो आपसे पूछेंगे व्हाई ओनली आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना ही आपका पैशन क्यों है, कुछ और ज्वाइन करना आपका पैशन क्यों नहीं है, क्या आपके करियर में कोई प्लान बी है, कोई प्लान सी है कि अगर यहां पे आप रेकमेंड नहीं हुए तो हो सकता है आपका पैशन बदल जाए, और अगर इसी तरह आपका पैशन बदलता रहा तो फिर आपका पैशन जो था वो बेईमानी था। तो यहाँ पे अगेन कैंडिडेट्स फंस जाते हैं। इसीलिए अगर आप ये कहते हो कि आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना मेरा पैशन है तो वो पैशन जो वर्ड है ना उस पैशन वर्ड को जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों है आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना आपका पैशन। इसीलिए बेटर होगा कि इस सवाल के जवाब में आप डायरेक्टली अपने पैशन क्यों है उसको बताना शुरू करो, ना कि ये सेंटेंस बोलो कि ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्स इज माई पैशन, क्योंकि वो तो दिख ही रहा है कि आपका पैशन है और सवाल वही है क्यों है पैशन, और उसी का जवाब हमको ढूंढना है। तो सवाल के जवाब में सवाल नहीं पूछा जा सकता। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये बात कहते हैं, कई स्टूडेंट्स ये बात हमारे हम जैसे टीचर्स को डायरेक्टली बताते हैं, और कई स्टूडेंट्स इंटरव्यू के अंदर भी ये बोल आते हैं, और वो बात होती है इम्प्रेस्ड बाय द यूनिफॉर्म। इसमें कोई शक नहीं, देखो कोई भी ऐसा नहीं है हमारे देश के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म, एक ऑफिसर जब यूनिफॉर्म पहनता है तो उससे इम्प्रेस नहीं होता, उस यूनिफॉर्म से उस आउटफिट से इम्प्रेस नहीं होता, ऐसा कोई भी नहीं होता। नेवी की यूनिफॉर्म हो, एयरफोर्स की यूनिफॉर्म हो, या आर्मी की यूनिफॉर्म हो, और इनमें भी कई तरह की यूनिफॉर्म्स होती है, कॉम्बैट यूनिफॉर्म होती है, सेरेमोनियल यूनिफॉर्म्स होती है, हर यूनिफॉर्म अपने आप में बड़ी डैशिंग लगती है, और अगर आप इससे इम्प्रेस्ड हो रहे हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है, हर इंडियन इससे इम्प्रेस्ड है। लेकिन बात यहाँ पर यह आ जाती है कि यूनिफॉर्म से इम्प्रेस होकर आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो, यूनिफॉर्म तो शायद आप पहन लोगे, लेकिन उस यूनिफॉर्म को पहनने के लिए जो खून और पसीना आपको बहाना पड़ेगा, क्या आप उसके लिए तैयार हो या नहीं हो? और यहाँ पर भी एक क्रॉस क्वेश्चन हो जाता है जिसके अंदर फिर कैंडिडेट्स फंस जाते हैं, कि जब आप ये कहते हो कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय द यूनिफॉर्म, आई वॉन्ट टू वियर द यूनिफॉर्म, आई वॉन्ट टू हैव द स्टार्स ऑन माई शोल्डर, तो कई बार ऑफिसर्स ये कह देते हैं कि अगर आप BSF ज्वाइन कर लो या CAPF, CRPF ज्वाइन कर लो या इवन पुलिस सर्विसेज भी ज्वाइन कर लो तो आपको एक बड़ी डैशिंग सी यूनिफॉर्म मिलेगी, आप अगर ऑफिसर बने तो आपके कंधे पे सितारे भी होंगे, तो ये सपना आप आर्म्ड फोर्सेस में आए बगैर भी पूरा कर सकते हो। आप किसी और पैरामिलिट्री सर्विसेज में या पुलिस सर्विसेज में जाके भी यूनिफॉर्म पहनने का या कंधे पे सितारा लगाने का या सर के ऊपर हैट पहनने का सपना पूरा कर सकते हो, तो आर्मी ही क्यों या आर्म्ड फोर्सेस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो?
और यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि कैंडिडेट्स जो है वो लाजवाब हो जाते हैं, उनके पास में कोई आंसर नहीं होता है। इसीलिए अगर आप आर्मी की यूनिफॉर्म से इम्प्रेस्ड भी हो तो भी इसको अपना प्राइमरी कॉज मत बनाओ कि इसकी वजह से मैं फौज ज्वाइन करना चाहता हूँ। और जैसे कि मैंने सबसे पहले बोला, यूनिफॉर्म देखने में बड़ी अच्छी लगती है लेकिन उस यूनिफॉर्म को पहनने के पीछे और उस कंधे पे सितारों के पीछे बहुत मेहनत होती, बहुत खून बहाना पड़ता है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, तब वो अर्न होती है, ईजी नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि मैं यूनिफॉर्म से इम्प्रेस्ड हूँ तो उनके बारे में ये इम्प्रेशन बनने लगता है इंटरव्यू के अंदर कि तो फैशन से इम्प्रेस होके आ रहा है, शायद ये खून पसीना नहीं बहा पाए। ज़रूरी नहीं है कि जो फैशन से इम्प्रेस होके आ रहा है वो उतनी मेहनत भी कर पाए वहाँ पे जाके। तो आपको इंटरव्यू में ये साबित करना है कि आप में वो मादा है ज्वाइन करने का और आप प्रैक्टिकली सोचते हो। तो ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी सोच है। और कभी भी देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगेन अगर आपको लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के वजहों में कि आप यूनिफॉर्म से बड़ा इम्प्रेस्ड हो, तो इसको रख सकते हो, तो रख सकते हो, बट नॉट एज अ प्राइमरी कॉज। सेकेंडरी टर्शरी कॉज में आप इसको रख सकते हो, लेकिन इन आंसर्स को कभी भी आपको प्राइमरी कॉज में नहीं बोलना है। एंड जनरली आई सजेस्ट कि अवॉइड ही करना चाहिए इस तरह के आंसर जब तक कि आप एक्चुअली बहुत पैशनेटली यूनिफॉर्म को लाइक ना करते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे एस्पायरेंट्स होते हैं जो आर्मी यूनिफॉर्म के लिए ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं कॉम्बैट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यूनिफॉर्म बहुत सेकेंडरी टर्शरी हो जाता है उनके लिए। और उसको नहीं बोलना भी कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर ये नहीं कहोगे SSB इंटरव्यू में कि मैं यूनिफॉर्म से इम्प्रेस्ड नहीं हूँ या मैं, आप ये पॉइंट नहीं बोलोगे तो वो लोग आपके नंबर्स काट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जब तक आप यूनिफॉर्म से इम्प्रेस नहीं होगे तब तक आपको आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन नहीं करवाएंगे। या अगर आप ये नहीं कहते हो कि आप यूनिफॉर्म से इम्प्रेस्ड नहीं हो तो आपके अंदर कोई ऑफिसर लाइक क्वालिटी लैगिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पैशनेटली आप बहुत लाइक करते हो यूनिफॉर्म को, सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी पॉइंट्स में आप ये बोल सकते हो, लेकिन इसको कभी भी अपना प्राइमरी आंसर नहीं बनाना चाहिए। और फिर चौथा आता है लॉट्स ऑफ पर्क्स। अगेन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के साथ साथ बहुत सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जुड़े हुए होते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगेन डोंट मेक इट एज योर प्राइमरी आंसर टू दिस क्वेश्चन। जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे सवाल पूछे और आप इमीडिएटली कह दो कि सर कितने सुविधाएं हैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद में, तो यहाँ पर ऐसा पोर्ट्रेयल होता है कि भाई ये स्टूडेंट, ये कैंडिडेट जो है ये तो सुविधाओं को भोगने के लिए आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है, ये सुविधाएं तो बाद में आएगी, पहले तो आपको जैसे मैंने बोला कि खून पसीना बहाना पड़ेगा और उसके बाद सुविधाएं मिलेगी। और आप पहले ही सुविधाओं का, आपका प्राइमरी आंसर ही जब ये बन जाता है, फिर ये देखा जाता है कि यार ये तो लालची इंसान है और हो सकता है कि ये सुविधाओं के लिए आ रहा हो तो थोड़ा आलसी भी हो। और इसीलिए इस तरह के जो आंसर्स होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस तरह के आंसर्स ये कोई गलत वजह है, ये बिल्कुल एक सही वजह है कि आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के साथ बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक इसको प्राइमरी आंसर के तौर पर नहीं लेना है और दूसरा इसी पॉइंट को रीफ्रेम करके बोलना है, एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोलना है। इसको कैसे रीफ्रेम करके बोला जा सकता है वो मैं आने वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो अब हमने यहाँ पे स्लाइड में देखा कि क्या कुछ कॉमन आंसर्स होते हैं कैंडिडेट्स के जब उनसे पूछा जाता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और हर कॉमन आंसर का एक प्राइमरी आंसर के तौर पर क्या ड्रॉबैक होता है वो भी इस स्लाइड के अंदर हमने देख लिया। अब सवाल उठता है कि अगर ये कॉमन आंसर्स ड्रॉबैक से भरे हुए हैं या हमें प्राइमरी आंसर के तौर पे नहीं बोलने हैं, तो फिर हमारा एक प्राइमरी आंसर क्या हो सकता है इन पॉइंट्स को लेके हो सकता है, या अगर इन्हीं पॉइंट्स को हमको रीफ्रेम करके बोलना है तो कैसे बोला जा सकता है। और यहाँ पर इस स्लाइड में हमको इसका आंसर हासिल होगा। वॉट कैन बी अ राइट आंसर टू दिस। अब बहुत ध्यान से अगली ये दो लाइंस को आप पढ़ो। देयर कैन नॉट बी अ परफेक्ट आंसर फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ये लाइन अगेन उस पर आपको ध्यान दिलाऊंगा, देयर कैन नॉट बी अ परफेक्ट आंसर फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ऐसा कोई आंसर नहीं हो सकता जो मैं बता दूं आपको और सारे कैंडिडेट्स उसको जाके बोल दे और वो सही हो जाए। नहीं, दिस विल डिफर पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन की अलग पर्सनालिटी होती है, उसका सोचने का तरीका अलग होता है, उसका काम करने का तरीका अलग होता है, और इसीलिए ये आंसर भी इसका
राइट, सबके लिए एक आंसर राइट नहीं हो सकता। हर एक का अपनी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने डिजायर के हिसाब से आंसर थोड़ा बहुत एक दूसरे से डिफर करेगा, लेकिन फिर भी एक मॉडल आंसर हम तैयार कर रहे हैं और इस मॉडल आंसर के बेसिस पे आप अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट तैयार करो और उसके हिसाब से ही वहां पर आप आंसर देना। अब कुछ अच्छे पॉइंट्स कौन से होते हैं जो बोले जा सकते हैं, जो सही है, जो सही तरीके से फ्रेम किए गए हैं? और पहला है अनपैरेलल्ड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। इसमें कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों कि फौजियों को जो रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में वो किसी और को नहीं मिलता, वाकई में नहीं मिलता। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि फौज में, आर्म्ड फोर्सेस में काम करना, जॉब करना सिर्फ एक जॉब नहीं होता है, ये एक नोबल प्रोफेशन होता है। और ये नोबल प्रोफेशन इसलिए होता है कि अपने इस प्रोफेशन को पूरा करने की प्रोसेस में ऑफिसर्स और मैन दोनों ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान भी दे देते हैं। दोस्तों अगर हम पैसा कहीं पर लगाते हैं और या कहीं पे गंवा देते हैं पैसा, तो वो पैसा हम दोबारा कमा सकते हैं। अगर हम समय किसी को दे देते हैं या टाइम वेस्ट कर देते हैं तो वो वापस नहीं आता, लेकिन हमारे पास आगे समय होता है कि वेस्ट किए हुए समय को कॉम्पनसेट हम कर सकें। लेकिन लाइफ एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जो एक बार अगर चली जाए तो फिर वो कभी भी वापस नहीं आती। आप सोचिए कि कोई ऑफिसर या कोई सोल्जर जब दुश्मन की गन पोजीशन के ऊपर हमला करता है तो उसको ये पता होता है कि दुश्मन की MMG पोजीशन के ऊपर वो हमला कर रहा है और उस प्रोसेस में उसकी जान जा सकती है। एक सोल्जर है या एक ऑफिसर है जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर है, जिसके अंदर सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, उसको पता है कि डेथ क्या होती है, वो जानता है कि वो डेथ क्या होती है। और जब 7.62 mm की गोली बॉडी के अंदर लगती तो भी उसको पता होता है कि बॉडी की क्या हालत होने वाली है, फिर भी वो उस मशीन गन पोजीशन के ऊपर चार्ज करता है। क्यों करता है? क्या उस सैलरी के लिए करता है जो सैलरी उसको मिल रही है, या अपनी पलटन के लिए करता है, या अपने देश के लिए करता है? तो जो सेक्रीफाइस एक ऑफिसर या एक सोल्जर अपने देश के लिए करते हैं, जिसमें जान का सेक्रीफाइस तक आता है, और यही वो वजह है कि पूरा नेशन उनको रिस्पेक्ट करता है, अनपैरेलल रिस्पेक्ट। आप, मैं और हमारे जैसे जो दूसरे सिविलियंस हैं, अगर बुखार हो जाता है तो छुट्टी ले लेते हैं, कोई काम आ जाता है घर में तो छुट्टी ले लेते हैं, कोई त्यौहार आ जाता है तो छुट्टी ले लेते हैं। फौजी लेते हैं क्या छुट्टी? नहीं लेते, बहुत लिमिटेड उनको छुट्टियाँ मिलती है। पूरा टाइम अपना नेशन की सर्विस में वो लगाते हैं, अपनी यूनिट की सर्विस में वो लगाते हैं, अपनी यूनिट का नाम ऊंचा रखने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार होते हैं। यही वजह है कि सोसाइटी में उनको अनपैरेलल्ड रिस्पेक्ट मिलता है। साथ ही साथ आर्म्ड फोर्सेस एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन भारत के बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, सबसे बढ़िया फंक्शनिंग करने वाले ऑर्गेनाइजेशन कौन से? आर्म्ड फोर्सेस है भाई। कहीं बाढ़ आ गई, रेस्क्यू करना है, आर्म्ड फोर्सेस आएगी। कहीं अर्थक्वेक आ गया, रेस्क्यू करना है, आर्म्ड फोर्सेस आएगी। कहीं लैंडस्लाइड हो गया, रेस्क्यू करना है, आर्म्ड फोर्सेस आएगी। कोई अनफॉर्चुनेट बच्चा बोरवेल के अंदर गिर गया, किसी से नहीं निकाला जा रहा, आर्म्ड फोर्सेज आके उसको सेफली निकाल के जाती है। तो जो कोई नहीं कर सकता वो आर्म्ड फोर्सेस करती है। कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे हमारे यहाँ पे, एक बार एक ब्रिज टूट गया, उसको मिनटों में, उसको कुछ दिनों के अंदर अंदर बनाने का काम अगर कोई कर सकता था तो वो आर्म्ड फोर्स थी और उन्होंने करके दिखाया। ऐसा कोई मोर्चा नहीं है जहाँ पर हमारी आर्म्ड फोर्सेज गई हो और खाली हाथ लौट के आई हो। चाहे यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस हो, चाहे अपने ही सरहदों पर लड़े जाने वाले युद्ध हो, हमेशा हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने हमारे देश का सर ऊंचा किया है और अपनी जान देने के लिए भी उसके लिए तैयार होते हैं वो। तो जब कोई ऐसा काम करता है तो क्यों ना वो पूरे हकदार हैं रिस्पेक्ट के, जितना रिस्पेक्ट उनको मिलता उससे कहीं ज़्यादा के वो हकदार हैं। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनपैरेलल्ड रिस्पेक्ट मिलता है आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को और सोल्जर्स को भी। और ये अगर आप कहते हो कि ये एक वजह है जिसकी वजह से मैं जाना चाहता हूँ आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, तो एक बहुत ही जस्टिफाइड पॉइंट होगा, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूरी तरह सहमत होगा जब इस तरह से आप एक्सप्लेन करते हुए उनको ये आंसर प्रोवाइड करोगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनपैरेलल्ड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। अब जब ये बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ना, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में भी ये बातें आने लगेगी कि हाँ, ये मैंने सोचा था।
ये बात मेरे दिमाग में थी लेकिन मैं इसको फ्रेज नहीं कर पा रहा था, मैं इसको फ्रेम नहीं कर पा रहा था एक सेंटेंस के अंदर, लेकिन अब आप कर पाओगे। आप ही के जो कॉजेज हैं, आपके जो ओरिजिनल कॉजेज हैं, उन्हीं को मैं आपके मन से निकाल कर उन्हीं को यहाँ पर फ्रेज करूंगा, उन्हीं को यहाँ पर सेंटेंस में बनाऊंगा। दूसरा, वो अ क्वालिटी ऑफ लाइफ विच कैन नॉट बी फाउंड इन एनी अदर करियर। अगेन वही बात है कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जब आप ज्वाइन करते हो तो आप आम इंसानों से कुछ अलग हो जाते हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत अलग हो जाती है। एज सिविलियंस हम भी ये देखते हैं कि जब आर्म्ड फोर्सेस के लोग वॉक करते हैं, आते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता है, वो ट्रूली जेंटलमैन होते हैं और बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी होती। अब ये क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी कैसे बेहतर होती है बाकी प्रोफेशन से, ये हम आगे के पॉइंट्स में समझेंगे। आगे के पॉइंट्स में जो बातें लिखी हुई है उन बातों को जानने के बाद आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आर्म्ड फोर्सेस की क्वालिटी ऑफ लाइफ बाकी प्रोफेशंस के मुकाबले क्यों बेहतर होती है। दो पॉइंट्स तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि डिसिप्लिन और फिटनेस, ये दो चीज़ें जब आपकी लाइफ में होती है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वैसे ही काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। एक आर्म्ड फोर्सेस में जब आप ऑफिसर बनते हो तो वो ऑफिसर लाइफ लॉन्ग, उसको फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ही इज़ कमांडिंग और शी इज़ कमांडिंग द मेन, और उन मेन के सामने एक एग्जाम्पल सेट करके रखना है एज अ ट्रू लीडर। और इसीलिए फिजिकल फिटनेस का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। और जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, आर्म्ड फोर्सेस में हर कोई फिट रहना चाहता है। अगर आप किसी मिलिट्री कैंटोनमेंट के आसपास रहते हो या आपने देखा होगा, आपने पाया होगा कि अक्सर सुबह और शाम के वक्त आपको जॉगिंग करते हुए या रनिंग करते हुए लोग मिल जाएंगे, सोल्जर्स मिल जाएंगे, ऑफिसर्स मिल जाएंगे। तो अपने आप को फिजिकली फिट रखना आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वैसे ही बहुत बढ़ा देता है। और एक और क्वालिटी जो आर्म्ड फोर्सेस आपके अंदर इनकलकेट करती है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में सक्सेस के लिए। तो अगर आप डिसिप्लिनड हैं, आप फिट हैं, तो आप अपनी लाइफ के हर स्पीयर में बहुत सारी सक्सेस हासिल करेंगे। और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इनकलकेट करती है आर्म्ड फोर्सेस आपके अंदर। और फिर अगली बात आती है लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जो ये पॉइंट मैंने कहा था कि लॉट ऑफ पर्क्स, इसी को मैंने रिफ्रेम किया है लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देखिए, सब कुछ सारी बातें अपनी जगह सही है, लेकिन एक इंडिविजुअल को अच्छे से सर्वाइव करना है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है और उस पॉइंट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक अच्छा पॉइंट है जो आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एवरीवन हु इज़ डूइंग अ जॉब, जो एक करियर को ऑप्ट कर रहा है, उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। और उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बगैर उसकी फैमिली ठीक से नहीं रह सकती। अगर उसकी फैमिली ठीक से नहीं रह सकती, सेटिस्फाइड नहीं रह सकती, डिग्निटी से नहीं रह सकती, तो वो भी अपने काम को ठीक से कर नहीं सकती। लेकिन जब आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करते हो तो आर्म्ड फोर्स इंश्योर करती है कि यू आर सिक्योर फाइनेंशियली फॉर योर लाइफ टाइम। चाहे आप सर्विस में हो या आप सर्विस के बाद रिटायर हो चुके हो, आपको पेंशन मिलना जारी रहती है। उसी के साथ साथ बहुत तरह तरह के अलाउंसेज मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, कैंटीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, और ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना देती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आपको दुनिया में डिग्निटी से जीना है ना, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। ये एक सच्चाई है और इसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। पैसा होना सिर्फ ये नहीं कि हम सर्वाइव कर सकें, पैसा होने का इम्पोर्टेंस ये भी है कि एक डिग्निफाइड लाइफ हम जी सकें। और ये डिग्निफाइड लाइफ के लिए जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है, ये सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने के बाद में पूरी हो जाती है। फिर आपको कभी लाइफ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि पेट्रोल के दाम क्या हो रहे हैं या किसी और फ्यूल के या किसी और चीज़ के दाम क्या हो रहे हैं, बिकॉज यू आर फाइनेंशियली प्योर। और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। एंड आई एम श्योर कि आप आर्म्ड फोर्सेस सिर्फ इसलिए नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हो क्योंकि आप नेशन को सर्व करना चाहते हो या अनपैरेलल्ड रिस्पेक्ट यहाँ पे मिलता है या कोई और वजह है। एक वजह ये है प्रैक्टिकली कि एक बहुत हैंडसम सैलरी होती है किसी ऑफिसर की जो आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन करते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस पॉइंट को अगर सही तरीके से एक्सप्लेन करके बताया जाए इंटरव्यूइंग ऑफिसर को तो ये आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। और फिर अगली बात आती है
अनलिमिटेड एक्सपोजर टू द वर्ल्ड। जब आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करते हो तो आप सिर्फ अपने नेशन तक ही लिमिटेड नहीं होते, अपने नेशन से बाहर निकल कर भी जाते हो। और इनफैक्ट हमारा नेशन जो कि भारत है, अपने आप में दुनिया की तरह है। आप नॉर्थ में चले जाइए, कश्मीर में, तो एक अलग टेरेन है, एक अलग माहौल है, एक अलग क्लाइमेट है। आप साउथ में चले जाइए, केरला और तमिलनाडु में, तो वहाँ पे एक अलग टेरेन क्लाइमेट है। सेंट्रल इंडिया में कुछ अलग है, नॉर्दर्न इंडिया में कुछ अलग है, ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में अलग है। जब आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करते हो, चाहे आर्मी ज्वाइन करो या नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करो, ज़्यादातर आपको नेशन वाइड घूमने का मौका मिलता है। घूमने का मौका मतलब ये नहीं कि आपको टूरिज्म मिलता है, आपकी पोस्टिंग होती है अलग अलग जगहों पर। आप देश के अलग अलग कोनों में जाते हो, वहाँ के लोगों से मिलते हो, वहाँ की आबो हवा को महसूस करते हो, वहाँ के फूड को टेस्ट करते हो, और ये एक्सपोजर आपको नेशन वाइड मिलता है। मैंने बोला ना, हमारा नेशन ही इतना बड़ा है कि जैसे एक दुनिया समाई हुई हो इसके अंदर। लेकिन इतना ही नहीं, आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद आपको कई तरीके के मिलिट्री एक्साइजेज होती हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, जिनमें से बहुत सारे मिलिट्री एक्साइज दूसरी कंट्रीज़ में जाके होती है। कई बार दूसरी कंट्रीज़ के सोल्जर्स हमारे यहाँ आते हैं मिलिट्री एक्साइज करने के लिए। यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस के द्वारा देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऑफिसर्स को भेजा जाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है, ये सारी एक्टिविटीज़ एक आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर को एक ऐसा एक्सपोजर दिलाती है दुनिया का, जो किसी और प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। ये अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको ये कहे कि आप BSF ज्वाइन कर लो, BSF में तो फिर भी आपकी पोस्टिंग बहुत दूर तक होती है, लेकिन अगर आप पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लो, या आप एक डॉक्टर बन जाओ, या आप एक इंजीनियर बन जाओ, या एक टीचर बन जाओ, तो आप इतना एक्सपोजर हासिल नहीं कर सकते। हो सकता है कि किसी और प्रोफेशन में आपको पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाए, लेकिन जो एक्सपोजर आपको आर्म्ड फोर्सेस देगी, अपने देश का भी और देश के बाहर की दुनिया का भी, वो आपको किसी और करियर के अंदर हासिल नहीं होने वाला। और इसीलिए एक बहुत दमदार पॉइंट है, इसका कोई काट नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस के अलावा कुछ है ही नहीं ऐसा जो आपको इतना एक्सपोजर प्रोवाइड कर दे। और फिर बात आती है एडवेंचर एंड आउटडोर की। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, एस्पायरेंट ऐसे होते हैं, जो जिनके अंदर एड्रेनलिन रश बहुत ज़्यादा करता है, जो 10-5 के ऑफिस जॉब को पसंद नहीं करते। उन्हें चाहिए कि वो बाहर जाएं, पहाड़ चढ़ रहे हो, कहीं माउंटेनियरिंग, मतलब पहाड़ चढ़ रहे हो, माउंटेनियरिंग कर रहे हो, कहीं डाइविंग कर रहे हो, कहीं रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो, किसी और एडवेंचर स्पोर्ट को फॉलो कर रहे हो, और ये सारी चीज़ अगेन किसी सिविलियन प्रोफेशन में रह के आप इतना अच्छा एक्सपोजर हासिल नहीं कर सकते, जो कि आपको आर्म्ड फोर्सेस प्रोवाइड करेगी। आर्म्ड फोर्स हमेशा अपने ऑफिसर्स को एक्सपोजर देती है एडवेंचर का। इनफैक्ट आर्म्ड फोर्सेस की सर्विसेज के प्रोसेस में बहुत सारा एडवेंचर हो जाता है कि भाई आप इन्फेंट्री के अंदर हो, अब आप इन्फेंट्री के अंदर हो तो आपको हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के अंदर ट्रेनिंग लेने के लिए भेज दिया, तो आपकी माउंटेनियरिंग की ऐसी ट्रेनिंग हुई कि दुनिया में कहीं ऐसी ट्रेनिंग नहीं होगी माउंटेनियरिंग की जैसी आपकी HAWS में होगी। या फिर आपको भेज दिया कि आप जंगल वॉरफेयर एंड काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस को सीखने के लिए गए, तो वहाँ पे जंगल का एक्सपोजर, वहाँ पे सर्वाइवल कैसे करना है, और सामने अगर दुश्मन आ जाए तो उस दुश्मन से मुकाबला कैसे करना है, बड़ी बेहतरीन चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती है। और इस तरह के कई और एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स आर्मी के अंदर लगातार प्रैक्टिस किए जाते हैं, लगातार उनका एक्सपोजर दिया जाता है। तो लाइफ इन आर्म्ड फोर्सेज इज़ फुल ऑफ एडवेंचर एंड इट इज़ आउटडोर। आर्मी का काम या आर्म्ड फोर्सेज का काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस के अंदर बैठ गए। हाँ, ऐसे वक्त भी आते हैं जब आप किसी ऐसे स्टेशन में पोस्टेड होते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्शन की गुंजाइश नहीं होती, तो आपका कुछ समय निकलता है ऑफिस के अंदर, लेकिन ज़्यादातर आपकी लाइफ जो है आउटडोर्स में ही निकलती है। अगर इफ़ यू आर समवन हु लव्स आउटडोर, हु लव्स एडवेंचर, तो वो सारी चीज़ें आपको आर्म्ड फोर्सेस से बेहतर कोई प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो किसी खेल में बड़े माहिर नहीं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने से पहले, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस जब उनको किसी स्पोर्ट्स का एक्सपोजर देती है तब उन्हें पता चलता है, आर्म्ड फोर्सेस को भी पता चलता है, उन्हें खुद भी पता चलता है कि यार हम किसी एक स्पोर्ट के अंदर बहुत ही बेहतरीन है, हम बहुत अच्छा खेलते हैं उसको। और फिर आर्म्ड फोर्सेस ऐसे खिलाड़ियों को ओलंपिक तक भेज चुकी है और वो खिलाड़ी हमारे लिए कई मेडल्स भी लेके आ चुके हैं। तो ये सारी बातें किसी से छुपी नहीं है। जो एक्सपोजर आउटडोर का और जो एडवेंचर आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हमको मिलता है ना, वो कहीं पर भी नहीं मिलता। इसीलिए ये भी एक बहुत दमदार पॉइंट है,
कि आर्म्ड फोर्सेस के अलावा ये चीज़ आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। एंड फिर छठा पॉइंट आता है, अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड लर्न फॉर लाइफ लॉन्ग। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आपको जिंदगी भर पढ़ाई करनी होती है, और ये पढ़ाई आप वॉलेंटरीली चुनते हो, ये पढ़ाई आपके ऊपर थोपी नहीं जाती, ये पढ़ाई आप वॉलेंटरीली चुनते हो, क्योंकि जिस भी विधा में आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो, जिस भी आर्ट में आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो, चाहे वो मैंने अभी एग्जांपल दिए कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की बात हो या काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर की बात हो, दोनों में ही कुछ थ्योरी होती है जो आपको पढ़ना होती है, और उस थ्योरी को पढ़ने के साथ ही आपको उसको प्रैक्टिकल भी करना होता है। साथ ही साथ आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ऐसे कोर्सेज किए जाते हैं जिन कोर्सेज को करने के बाद आप और बेहतर कमांड कर सकते हो, ज़्यादा नंबर में मैन कमांड कर सकते हो, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स बेहतर बन, क्योंकि जैसे जैसे आपका ऑफिसर ग्रेड ऊपर बढ़ता जाता, आपकी रैंक्स ऊपर बढ़ती जाती है, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आने लगती, और जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आने लगती है तो आपको लर्निंग भी ज़्यादा करनी होती है ताकि आप उन बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा पाओ। और इसलिए करियर इन आर्म्ड फोर्सेज, लाइफ इन आर्म्ड फोर्सेज इज फुल ऑफ स्टडीज, एंड तक पढ़ते ही रहते हैं, और ये पढ़ाई वो ज़बरदस्ती पढ़ाई नहीं होती जो कि शायद आपने स्कूल के अंदर करी हुई होती है, ये पढ़ाई ऐसी होती कि इसमें आपको वही पढ़ने को मिलता है जो आप पढ़ना चाहते हैं। यू वॉलेंटरीली ऑप्ट फॉर स्टडीज, लेकिन एक इंसान को वाकई में ज़िंदगी भर पढ़ाई करना चाहिए, और ये ज़िंदगी भर पढ़ाई शायद कॉमन इंसान सिविलियन नहीं कर पाते क्योंकि उनके प्रोफेशन उनको अलाउ नहीं करते, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के प्रोफेशन अलाउ की बात ही नहीं है, आर्म्ड फोर्सेस के प्रोफेशंस डिमांड करते हैं कि आप लाइफ लॉन्ग स्टडी करते रहो। जितना पढ़ोगे, जितना ज्ञान आपको होगा, उतना ही बेहतर आप डिलीवर कर पाओगे किसी भी रैंक पर अगर आप होते हो तो, और इसीलिए लाइफ लॉन्ग स्टडी होती है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। इतना नॉलेज गेन करने को मिलता है जितना नॉलेज किसी और प्रोफेशन के अंदर गेन करने को नहीं मिल सकता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्म्ड फोर्सेस मेक्स अ पर्सन अ ट्रू लीडर। आर्म्ड फोर्सेस किसी इंसान को एक सच्चा लीडर बनाती है। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप जो है वो कोई बंद कमरे की लीडरशिप नहीं है, आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप होती है युद्ध के मैदान के अंदर, और इस युद्ध के मैदान के अंदर जहाँ पर लाइफ और डेथ की सिचुएशन होती है और स्प्लिट सेकंड्स में डिसीजंस लेने होते हैं, यहाँ पर जो मैनेजमेंट इंसान सीखता है वो मैनेजमेंट एक इंसान को ट्रू लीडर बनाता है। आपके अंदर पोटेंशियल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, ध्यान रखिएगा, आप एसएसबी में अपीयर कर रहे हो और एसएसबी ये देख रही है कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है कि नहीं है, ध्यान दे रहा है इन तीन वर्ड्स के ऊपर, OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिसर हो, ये सिर्फ आपकी क्या चेक कर रहे हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक कर रहे हैं कि क्या आप में आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने का पोटेंशियल है या नहीं है। अब उन्होंने चेक कर लिया और उन्होंने इवैल्यूएट किया कि हाँ, इस पर्सन के अंदर आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने का पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल से तो एक्चुअली ऑफिसर बनाने की प्रोसेस तो आर्म्ड फोर्स ही करेगी। यानी कि एसएसबी में आप ऑफिसर नहीं हो, आपने कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो, कितने भी अच्छे मार्क्स लेके आए हो, ट्रूली आप लीडर तब बनोगे। एसएसबी में तो यही चेक किया गया है कि लीडरशिप लाइक क्वालिटीज है कि नहीं है आपके अंदर, लेकिन ट्रू लीडर आपको आर्म्ड फोर्सेस का करियर ही बनाएगा। जब आप वॉरफेयर में जाओगे, जब आप बैटल में होगे, और जो मैंने बताया आपको कि जब कैओटिक सिचुएशन होगी, रिसोर्सेज बहुत कम अवेलेबल होंगे, यू वुड बी रनिंग अगेंस्ट द टाइम, एनिमी वुड बी वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट यू, और इन सारी मुसीबतों से निजात पाके, इन सारी मुसीबतों का हल ढूंढ के जब आप सक्सेस हासिल करोगे, वो प्रोसेस आपको एक ट्रू लीडर बनाएगी, वो प्रोसेस आपको उन सारी एलिमेंट्स की वैल्यू सिखाएगी जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। तो ये काम भी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ही होगा, एसएसबी में भी आपके अंदर सिर्फ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है। ट्रूली ऑफिसर या लीडर आप तभी बन पाओगे जब आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करोगे, और जब आप एक ट्रू लीडर बन जाते हो ना आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, जब आप आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर होने के बाद आईटी में आते हो, तो यू हैव सो मच ऑफ इन यू टू ऑफर टू द सोसाइटी। आपके पास इतना कुछ होता है इस पूरी सोसाइटी को, हमारे नेशन को ऑफर करने के लिए पॉजिटिवली, जिससे हमारा नेशन
फर्दर और स्ट्रांगली बिल्ट हो सके। दी ट्रू लीडर होना सिर्फ आर्म्ड फोर्स तक लिमिटेड नहीं है। आर्म्ड फोर्स से निकलने के बाद सोसाइटी में जब पर्सन आता है तो अपने आसपास आने वाले लोगों को भी बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है, साथ ही साथ नेशन बिल्डिंग में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ना सिर्फ प्ले कर सकता है बल्कि करते भी हैं बहुत सारे ऑफिसर्स। ये ट्रू लीडर आप सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के अंदर बन सकते हो। तो दोस्तों ये वो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के दिमाग में होते हैं, मन में होते हैं, लेकिन वो उनको सोच नहीं पाते या उनको वर्ड्स में पिरो नहीं पाते। और यही ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो का कि उन थॉट्स को वर्ड्स में पिरो के आपके सामने रखा जाए। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा आपसे, आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, एग्जैक्टली जो मैंने बताया वैसा का वैसा आप प्रिपेयर मत कर लेना। अगर हाँ आपको लगता है कि जो पॉइंट्स मैंने बताए वही पॉइंट्स आपके भी हैं एक्चुअली रियली, तो फिर आप उनको डेफिनेटली उसका स्क्रिप्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी वजह कुछ अलग भी है, उसके अलावा भी कुछ अलग है आपकी वजह, तो उस वजह को आप रखिए। जो आपकी रियल वजह है, जो दिल में आपके बात है, जो मन में आपके बात है, मुख्य बात जिसकी वजह से आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उसको ज़रूर रखिए। मेरा ये आंसर परफेक्ट नहीं है हर कैंडिडेट के लिए, हर कैंडिडेट के लिए आंसर थोड़ा थोड़ा अलग होगा क्योंकि हर एक की वजह भी एक्चुअली थोड़ी थोड़ी अलग होगी। लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स की मदद आप ले सकते हो इस आंसर की स्क्रिप्ट को बनाने के लिए। और इस पॉइंट पे मैं इस वीडियो को एंड करूंगा और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट कहूंगा SSB के लिए। जय हिंद।